1669 খ্রিস্টাব্দত কামরূপ জিলার পসরিয়ার আলাবৈত হওয়া রণত মোগলর বিরুদ্ধে বীরত্বরে যুঁজি অসমৰ অনেক জনগোষ্ঠীর প্রায় 10,000 সাহসী সৈন্যই মাতৃভূমির বাবে জীবন আহুতি দিছিল। তেখেতসকলের ত্যাগক সন্মান জনায় আলাবৈ যুদ্ধক্ষেত্র স্মারক স্থাপন করবলৈ লোৱা হৈছে। এই স্মারকত 30 মিটার ওখ আহোমৰ ঐশ্বরিক শক্তি সম্পন্ন হেংদাং স্থাপন করা হব। अब पोसोरिया कामरूप में आलाबोई रणक्षेत्र मेमोरियल की आधारशिला आभासीय रूप से रखी जाएगी। मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि वे कृपया आभासीय रूप से इस ऐतिहासिक कार्य को संपन्न करें। ষোলশ একসত্তর খ্রিস্টাব্দত নড়িয়া গাড়ে শরাইঘাটর যুদ্ধত মোগলক পরাজিত করে রাজধানীলৈ উভতি গৈ থাকুতে কলিয়াবরের পর দেরগাঁওর মাজর কোনো স্থানত লাসিত বরফুকনের দেহাবসান ঘটে। তেখেতক হোলুঙাপার গোহাইগাঁওলৈ লৈ যোৱা হয় আর সেই স্থানতে সমাধিস্থ করা হয়। লাসিত বরফুকনের শৌর্য বীর্যক সুঁৱৰি যোৰহাট চহৰৰ সমীপর হোলুঙাপার গোহাইগাঁওত আটক ধুনিয়াকৈ সাজি উলিওৱা হ'ব লাসিত বৰফুকন স্মৃতিক্ষেত্র। ইয়াৰ মূল আকর্ষণ হ'ব লাসিত বৰফুকনৰ 150 ফুট ওখ ব্ৰঞ্জৰ প্ৰতিমূৰ্তি। असम अद्वितीय, असम अपराजय। सदियों से असम एक पहेली, एक रहस्य, एक प्रहेलिका बना हुआ है। जिस समय आजादी का अस्तित्व देश के दूसरे पड़ोसी राज्यों के लिए एक बहुत दूर का सपना था, उस वक्त असम आजादी को बरकरार रखा और समूचे राष्ट्र को आश्चर्यचकित करके रख दिया। लासित बरफुकन जो असम के सेनाध्यक्ष थे, उनकी देशभक्ति, साहसिकता एवं अनुकरणीय नेतृत्व पूरे देश के इतिहास में बेमिसाल हैं। 1667 के अगस्त महीने में आहोम स्वर्गदेव चक्रध्वज सिंह ने लासित दोलाकाखोरिया बरुआ को बरफुकन की उपाधि प्रदान की और एक सुसज्जित सेना दल की अगुवाई करने गुवाहाटी भेजा। गुवाहाटी में लासित बरफुकन ने अदम्य साहस दिखाते हुए मुगल सेना का डटकर सामना किया। लासित का पराक्रम देख मुगल सेनाध्यक्ष फिरोज खान भी पूरी तरह से दंग रह गए थे। इस युद्ध में आहोम सेना ने उत्तर गुवाहाटी स्थित मणिकर्णेश्वर एवं साबुरुज में सेना छावनी की स्थापना कर गुवाहाटी पर कब्जा कर लिया था। इस शर्मनाक पराजय की खबर सुनकर दिल्ली के तत्कालीन मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस घोर अपमान का प्रतिशोध लेने की कसम खा ली। 1667 के दिसंबर महीने में अंबेर के राजा राम सिंह को एक विशाल फौज की टुकड़ी का प्रमुख बनाकर असम आक्रमण के लिए भेजा गया। इधर यहां दृढ़ संकल्प के साथ मिट्टी के गढ़ का निर्माण कार्य की शुरुआत हुई। इस निर्माण कार्य के प्रमुख जिम्मेदारी लासित बरफुकन के मामा को सौंपा गया, पर जब लासित निर्माण कार्य की प्रगति का आकलन करने मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत अवशेष का निर्माण पूर्ण होने में बाकी है। कर्तव्य में पूरी तरह की लापरवाही बरतने से लासित को बहुत गुस्सा आया और अपने मामा का सर इस प्रसिद्ध कथन से काट डाला, मेरी मातृभूमि से मेरा मामा बड़ा नहीं है। 1671 के मार्च महीने में सराय घाट में मुगल और असमिया सेनाओं के बीच भीषण मुकाबला हुआ। लासित बरफुकन के शौर्य और साहसिक दमक के सामने मुगल सेना टिक न पाई और सराय घाट से ही वापस हटने के लिए मजबूर हो गई। सराय घाट के खुले मैदान में मुगलों का असम विजय का सपना चकनाचूर हो गया। लासित बरफुकन के 400वीं जयंती के पवित्र शुभ अवसर पर असम की जनता की तरफ से हम उनके प्रति अपना विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अपना मंच